तो जो रैट ट्रैपर बनाने वाला जो पर्सन होता है वो उसके आयरन मास्टर के घर तो नहीं जाना चाहता था, वो तो सिर्फ चाहता था कि उस मिल में वो पूरी अपनी रात गुजार सके और सुबह जो है चुपचाप वो वहाँ से निकल जाए। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिस मिजरेबल क्लोथिंग। मगर आयरन मास्टर को लगता है कि ये जो है बंदा, इसको सिर्फ अजीब लग रहा है क्योंकि इसके कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। फिर वो आगे बोलता है, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। फिर वो कहता है कि आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा घर इतना अच्छा है कि आप वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, माई बॉयज़ आर अब्रॉड एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। फिर वो कहते हैं कि जो एलिजाबेथ हैं, शायद उनकी वाइफ हैं, वो उनकी तो डेथ हो गई है, ये तो आपने सुना ही होगा। मेरे जो बेटे हैं वो देश से बाहर हैं और घर पे कौन है, मैं हूँ और सिर्फ मेरी बड़ी बेटी है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। फिर वो कहते हैं कि हम लोग, मैं और मेरी बेटी ऐसी बात ही कर रहे थे कि हमारे पास क्रिसमस में कोई गेस्ट नहीं है, तो आप हमारे साथ चलिए। और थोड़ा सा वो मजाक करते हैं कि खाना जो है वो हमारे साथ खाइएगा और शायद हमारा खाना थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड नो अगेन एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। तो जो स्ट्रेंजर होता है वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बार 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 आयरन मास्टर बोलते रहते हैं चलो मेरे घर, वो बार बार मना करता रहता है। फिर उसको लगता है कि ठीक है अब हार माननी पड़ेगी। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन शेल प्रिफर टू स्टे विद यू टू नाइट ही सेड। फिर वो कहते हैं कि मतलब जो जो कैप्टन है, किसी के नाम बोलते हैं शेल, कि आपके साथ प्रिफर करेंगे रात में रहना, मगर फिर वो हार मान के वहाँ से चले जाते हैं। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। फिर वो एकदम से जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो खुद पे थोड़ा सा हंसते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं, मगर उनको समझ में, मगर उनके लास्ट वर्ड नहीं होते हैं। फिर आगे क्या होता है, इट वॉज नॉट मोर देन आर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ पर्सुएशन देन ही हिमसेल्फ। आयरन मास्टर खुद तो वहाँ से चले जाते हैं जब वो जो स्ट्रेंजर होता है बार 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 उनको मना करता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद उनकी डॉटर आती है, वो अपनी डॉटर को भेज देते हैं, वो कहते हैं कि शायद उनकी डॉटर इनको परसुएट कर दे कि वो हमारे साथ क्रिसमस मना लें। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म्स अ बिग फर ऑफ कोट। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। फिर वो जो बंद लड़की आती है उनको मनाने के लिए, फिर वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी मगर काफ़ी थोड़ी मॉडेस्ट अच्छी दिख रही थी, अच्छी व्यवहार की थी और थोड़ी सी शाय शर्मीली थी। इन द फॉर्ज एवरी थिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच एंड द आयरन एंड द चाकुल स्टिल ग्लेयर्ड इन द फर्नेस। मतलब फिर वो आगे बताते हैं कि पूरा का पूरा जो सीन था वो वहाँ पर ऐसे ही था कि फर्नेस में आयरन जल रही थी, आयरन बन रही थी, कोयला जल रहा था, और उस टाइम पर जैसे वो एंटर करती हैं, द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आइज़। फिर वो मतलब उसकी हेड जो है स्ट्रेंजर की वो आगे झुकी हुई होती है और वो आयरन के एक पीस पे लेटा हुआ होता है। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आइज ओपन, ही जम्प्ड अप अपरेंटली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। और फिर जैसी वो लेडी आती है, उसके जो रैट ट्रैपर बनाने वाला बंदा होता है उसके सामने आके खड़ी होती है, वो सो रहा होता है और जैसे ही वो आहट महसूस करता है कि कोई लड़की आई है या फिर कोई आया है, वो एकदम से उठ जाता है डर से। माई नेम इज़ एल्डा विल्मिंसन सेड द यंग गर्ल। फिर जो लड़की है वो बताती है कि मेरा नाम एल्डा है, मेरे फादर ने तुम्हें मतलब यहाँ पर मुझे भेजा है तुम्हें अपने घर पर इन्वाइट करने के लिए। आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। फिर वो कहती है कि कैप्टन मैं आप मेरे पापा ने मुझे बोला है कि आपको मैं घर ले आऊँ, और फिर वैसे सॉरी बोलती है कि आपके साथ ऐसा हार्ड टाइम आपका चल रहा है कि आपको ऐसे रहना पड़ रहा है। शी लुक्ड एट हिम पैशनेटली विद हर हैवी आइज एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड। और फिर वो थोड़ा आराम से प्यार से उसकी रेड ट्रैपर जो होता है बंदा उसकी तरफ देखती है और फिर वो मतलब महसूस कर पाती है कि वो जो है जिसको वो कैप्टन समझ रही थी वो थोड़े से डरे हुए हैं। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैड एस्केप फ्रॉम जेल शी थॉट एंड एडिट क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, ओनली
प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। फिर वह ज़बता बोलती है कि मतलब उनको देख के ऐसा लगता है, वो जो बंदा होता है वहाँ पे जिसको वो कैप्टन समझी थी, कि वो डरा डरा लगता है, वो उसको महसूस होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो जेल से भागे हुए हैं या फिर इन्होंने कुछ चुराया है। फिर वो कहती है कि आपको जब भी हमारे घर से जाना हो आप फ्रीली जा सकते हैं, जैसे कि आप अभी फ्री हैं, और आप मगर सिर्फ क्रिसमस ईव जो है वो हमारे साथ मना लीजिए। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट्रैप रैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। और वो काफ़ी फ्रेंडली मैनर में बात करती है, ये सब बोलती है, फिर जो रैट्रैप पैडलर होता है वो समझ थोड़ा सा भरोसा करने लगता है उन पर। इट वुड नेवर हैव अकर टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। वो कहता है कि मतलब वो मान जाता है, उसको बोलती है कि चलो, और मनाती है और कहती है तुम फ्री हो जब भी जाना चाहो जा सकते हो, तो फिर मान जाता है, उसके साथ चले जाता है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विद द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, थ्रू इट ओवर हिज रैग्स एंड फॉलोड द यंग लेडी ओवर द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लैंस। और फिर वो मान जाता है, तो फिर उसके साथ वो उस लेडी के साथ उठ के चला जाता है। और फिर जो वैले होता है वो एक कोट लेके आया हुआ होता है, वो उस रैट ट्रैपर जो पेडलर होता है उसको देता है और वो उसको पहन लेता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉर बॉर्डिंग्स। Why the devil did I take the fellow's money? He thought. Now I am sitting in the trap and I will never get out of it. फिर वो ऐसे ही जा रहा होता है, जब उसके घर में उस जो मिल का ओनर होता है उसके घर में जा रहा होता है, जब भी उसकी थॉट्स आ रही होती हैं दिमाग में कि मैंने बेट को पकड़ लिया, मैंने पैसे चुरा लिए, और अब ऐसा लग रहा है कि मैं इससे रेड ट्रैप से कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। अगले दिन क्रिसमस ईव थी एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिस ओल्ड रेजिमेंटल कॉम्रेड हु ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली। फिर वो जब जो ओनर होता है मिल का, वो अपने घर में बैठा हुआ होता है ब्रेकफास्ट के लिए, वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से वो अपने ओल्ड जो फ्रेंड था या जो उनके साथ जॉब करते थे आर्मी में, उनसे किस तरीके से वो मिला था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सैड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल। वो अपनी डॉटर से कहते हैं कि हम लोगों को थोड़ा उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी जो हेल्थ है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हमें ये भी ध्यान देना होगा कि वो कुछ और काम धंधा कर पाएँ, बजाय कि वो ये जो रेड ट्रैप्स हैं इनको बेचते रहें इधर उधर घूम करके। इट इज़ क्वीर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। फिर डॉटर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये साफ दिख रहा है कि उनके साथ जो परिस्थितियाँ हैं उनकी वो सही नहीं चल रही हैं। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। फिर वो कहते हैं कि मतलब उनके साथ ऐसा हुआ, वो एक काफ़ी एजुकेटेड मैन थे, फिर भी इस तरीके की उनकी कंडीशन हो गई है। फिर वो मतलब ये सारी बातें लड़की बोल रही होती है, फिर उसके फादर कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड रेस्ट अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बैरस्ड, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ। वो कहते हैं कि जो उनके अजीब सा उनका बिहेवियर था वो सारा का सारा निकल जाएगा, उनके जो ख़राब कपड़े थे उनके साथ ही वो उतर जाएगा, और जब वो अच्छे कपड़े पहनेंगे तो उनका जो पुराना अच्छा बिहेवियर है और अच्छी बॉडी लैंग्वेज है वो भी सारी वापस आ जाएगी। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर। और जैसे ये सब सारी बातें वो कर रहे थे तो दरवाज़ा खुलता है और वो जो अजनबी है वो अंदर की तरफ आ जाता है। येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो पूरी तरीके से साफ था और काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। द वैलेट हैज़ बाथड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च कॉलर एंड होल शूज़। फिर मतलब वही कि कपड़े अच्छे से पहने होते हैं, और जो कपड़े होते हैं वो आयरन मास्टर के होते हैं, अच्छे सूट पहना हुआ होता है, जूते पहने होते हैं, पूरे के पूरे वेल ड्रेस्ड होते हैं, बाल भी कटा लिए होते हैं और शेविंग भी कर ली होती है। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज। ही लुक्ड एट हिम विद अ पकर्ड ब्रो एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वैन ही हैज सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव
मेड अ मिस्टेक। और अब जैसे ही उसको बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़ों में देखता है तो जो आयरन मास्टर है उसको समझ में आ जाता है, मतलब इसमें इस तरीके से बताया गया है कि उसकी जो आईब्रो है वो ऊपर चढ़ जाती है, और जब उसको बिल्कुल साफ़ कपड़ों में देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये उसका फ्रेंड नहीं है, ये तो कोई और है। पहले तो क्या थी, फर्नेस में धुंधली सी रोशनी थी, अब बिल्कुल डे लाइट है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है, तो वो उसका फ्रेंड नहीं है, ये साफ दिखता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम विद एन ओल्ड एक्विटेंस। वॉट डज दिस मीन? ही थंडर्ड। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसइम्यूलेट। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। और ये सब देख के आयरन मास्टर चिल्लाने लगते हैं, और रेड ट्रैपर जो होता है पेडलर, उसको भी समझ में आ जाता है कि जो उसका अच्छा वाला जो मोमेंट था ये अब खत्म हो चुका है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर, एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्ट्रेन द फॉर्ज, बट नो हार्म हैड बीन डन, एट वर्स आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो फार, गो अवे। फिर वो कहता है कि अभी मैंने तो कुछ भी प्रिटेंड नहीं किया था बनने का, आपने ही मुझे अपना कोई ओल्ड फ्रेंड समझ लिया था, और मैंने यहाँ पे आने से भी मना किया था। फिर वो ये भी कहता है कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, और मैं जो अपना पुराना जो रैग है मेरा उसको पहन के यहाँ से काफ़ी दूर चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर, हेजिटेटिंग अ लिटल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यू मस्ट एडमिट दैट, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। वो कहते हैं कि मतलब हाँ तुमने एडमिट कर लिया है, फिर भी वो थोड़ा सा उसके पीछे डाउटफुल होते हैं। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। फिर वो ट्रैम्प मतलब वो जो वही होता है रैट रैपर जो होता है, वो आगे की बढ़ता है और अपना जो हाथ है वो टेबल के ऊपर थोड़ा सा मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। वो ऐसी मतलब पूरी जो स्टोरी सी है वो बताता है कि जो वो सोचता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एक बड़ा सा जो रेड ट्रैप है, और सारी की सारी जो अच्छी चीज़ें तुम्हें ऑफर की जाती हैं वो बिल्कुल जो चीज़ है या फिर पोर्क है या फिर कुछ भी है वो मतलब एक रेड ट्रैप की तरह होती हैं। जो चूहे को बेट दी जाती है कि वो रेड ट्रैप में घुसा है, वर्ल्ड में भी इसी तरीके से हमारे सामने बेट्स फेंकी जाती हैं ताकि हम इस वर्ल्ड में फंस जाएँ। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम वेन यू योर सेल्फ मे वेंट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोक, एंड देन यू विल कॉट इन द ट्रैप। फिर वो कहते हैं कि अगर आपको किसी को बुलाना है मुझको यहाँ से पकड़ के बाहर भगाने के लिए तो भी आप ऐसा भी कर सकते हैं, मगर एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपके सामने भी ऐसा कोई पोर्क या फिर कोई चीज़ आपके सामने फेंका जाएगा, और उससे आप भी इस रेड ट्रैप में फंस जाएंगे। फिर जो ये सारी बातें सुन के जो आयरन मास्टर है वो हंसने वसने से लगते हैं। दैट वॉज नॉट सो वेडली सेड माई गुड फेलो, पर हैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। फिर वो कहते हैं कि जो शेरिफ है उनको हम परेशान नहीं करते हैं क्रिसमस ईव पे, और जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टूडे, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। और फिर उनकी बेटी कहती है कि नहीं, हम लोग को हमने इनको इन्वाइट किया है और जो भी है क्रिसमस ईव है, हम इनको यहाँ से ऐसे जाने के लिए नहीं बोलते हैं, क्रिसमस ईव के लिए इनको यहाँ पर रुकने दीजिए। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेट द फास्टर सेट द फादर। फिर उसके जो लड़की के फादर होते हैं जो आयरन मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि तुम मतलब ये सब क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर। मगर उनकी जो डॉटर होती है वो थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है ये बात सुन के, और चुपचाप खड़ी रहती है, उनको समझ नहीं आता कि वो आंसर क्या दें इस बात का। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी वेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री व्रेज, शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड। फिर मतलब सुबह जो क्रिसमस ईव की सुबह होती है उस टाइम पे वो जो गर्ल होती है वो ये सोच रही होती है कि वो एक पुअर इंसान की हेल्प कर पाएंगी, और क्रिसमस ईव में उनको डिनर मतलब सर्व कर पाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। और ऐसे ही जैसे उनके फादर ने उनको जाने के लिए कह दिया था वहाँ से उस वैगाबॉन्ड को, तो वो उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही होती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेट द यंग गर्ल, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। वो कहती है कि मैं सोच रही हूँ इस स्ट्रेंजर के बारे में जो ये पूरी पूरी जो साल है वो घूमता रहता है घूमता रहता है, और कोई भी उनको ऐसा वेलकम नहीं करते हैं, और इस टाइप से कि कोई उनके घर में उनको बुला रहा हो ऐसा उनको कभी भी फील नहीं होने देता है कोई भी। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बींग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस जस्ट वन इन द होल ईयर। तो कहते हैं कि हर समय इनको डर लगता रहता होगा इस स्ट्रेंजर को कि कोई इनको पकड़ लेगा इनको एग्जामिन करेगा, तो मैं चाहती हूँ कि एक
टाइम, एक दिन इनको ऐसा मिले जहाँ पे ये आराम से एंजॉय कर पाएँ, और ये दिन भी अच्छा है क्रिसमस का। आयरन मास्टर मम्बल समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। फिर वो आयरन मास्टर थोड़ा सा बड़बड़ाने लगते हैं और फिर अपनी बेटी को अपोज नहीं करते हैं। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, ही शी कंटिन्यूड, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे अ ह्यूमन बींग हुम ही हैव आस्ट टू कम हेयर एंड टू वी हैव प्रोमिस क्रिसमस। फिर वो कहते हैं हमको ऐसे मतलब ह्यूमन को बाहर नहीं भेजना चाहिए, घर से निकालना नहीं चाहिए जिसको हमने खुद ही इन्वाइट किया हो। यू डू पेच वर्स देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। फिर वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हें जो करना है कर सकती हो, मगर ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने इस बात के लिए रिग्रेट करना पड़े कि तुमने इसको, स्ट्रेंजर को अपने घर में क्रिसमस ईव के लिए रोका था।